फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। बात करेंगे आज इस वीडियो में एक बार फिर से हॉलीवुड सिनेमा की एक और मचा वेटेड फिल्म जो कि फाइनली रिलीज हो चुकी है। बात की जा रही है थॉर लव एंड थंडर को लेकर। जानेंगे आज इस वीडियो में कि फिल्म कैसी है और छोटा सा करेंगे रिव्यू और जानेंगे कि पब्लिक क्या बोल रही है फिल्म को लेकर। और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ मैं आपको आज इस वीडियो में, जो जानकर आप शायद हैरान रह जाओगे। सबसे बड़ी बात जो ये है कि इसकी रेटिंग क्या है, क्या इसको रिस्पॉन्स मिल भी रहा है या फिर नहीं। भाई साहब, रेटिंग और रिस्पॉन्स की बात आती है तो इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, रिस्पॉन्स तो उसको और भी ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। उसका एक कारण है, वो ये है कि इस फिल्म से लास्ट फिल्म कह सकते हो आप इस फिल्म को थॉर की। जी हाँ, जो फिल्म के लीड एक्टर हैं थॉर, उनकी ये लास्ट फिल्म है। एक्चुअल में जो उनकी सीरीज़ है थॉर के तौर पर, वो ख़त्म होने जा रही है मार्वल स्टूडियोज से एवेंजर के तौर पर, किसी भी तौर पर आप कह सकते हो। जिस तरह से आपने देखा था एवेंजर एंड गेम में कि आधी पॉपुलेशन मिट चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, उनका अस्तित्व मिट चुका है, उनका कोई नामो निशान नहीं रहा, जिसके चलते जो आधे सुपर हीरोज़ हैं वो भी गायब हो चुके हैं, चाहे वो कैप्टन अमेरिका हो, चाहे फिर अब अपने आयरन मैन या थॉर। आपको याद हूँ कैप्टन अमेरिका की भी एक लास्ट फिल्म आएगी बताया जा रहा है ऐसा, और वहीं आपको याद हूँ थॉर की भी ये लास्ट फिल्म है मार्वल स्टूडियोज़ के साथ। इसके बाद जो थॉर की कोई फिल्म नहीं आएगी, आपको किसी भी तरह से आप थॉर को नहीं देख पाओगे किसी भी फिल्म में। एक्चुअल में थॉर की ये लास्ट फिल्म है थॉर लव एंड थंडर, जिसको पब्लिक अपने आप प्यार दे रही है एक ट्रिब्यूट के तौर पे, क्योंकि आपको पता है थॉर को इसके बाद ऑडियंस कभी थिएटर्स में नहीं देख पाएंगे। और यही कारण है कि इस फिल्म को एक अलग ही तरह से ऑडियंस रिएक्ट कर रही है फिल्म को लेकर। गाइज, इस फिल्म ने एक्चुअल में आपको बता दूँ एक नया रिकॉर्ड सेट किया है, वो है ओपनिंग के मामले में। इस फिल्म की जो थिएटर्स की ओपनिंग है वो रात के 12 बजे से हो चुकी थी। इसका पहला शो रात के 12:01 से चालू हो चुका था, और यकीन मानिए ये रिकॉर्ड इससे पहले एवेंजर की ही फिल्म, बोले तो मार्वल स्टूडियोज़ की ही एक फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम के नाम था, जिसके शोज रात के 1:30 से चालू हुए थे। और वहीं वो रिकॉर्ड आज थॉर लव एंड थंडर के नाम आ चुका है, जिसके शोज रात के 12:01 से चालू हो चुके हैं। 24/7 इसके शोज चल रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब ऐसे में बात करें पब्लिक ओपिनियन को लेकर, पब्लिक रिएक्शन को लेकर, तो आपको याद हूँ इस फिल्म में, ये एक एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसमें कि एक्शन, स्टोरी, ग्राफिक्स, हर चीज़ एकदम कंफर्ट है, बोले तो एकदम वर्थ। अब ऐसे में बात करूँ मैं फिल्म को लेकर, पब्लिक के ओपिनियन को लेकर, तो पब्लिक दोनों तरह से रिएक्ट कर रही है। कुछ लोग उदास नज़र आए, इसलिए नहीं कि फिल्म बेकार है, बल्कि इसलिए कि जो थॉर है, थॉर की ये लास्ट फिल्म वो देख पा रहे हैं। कुछ लोग इस चीज़ से एटलीस्ट सेटिस्फाइड है कि उन्हें थॉर की लास्ट फिल्म देखने को मिल रही है। तो आप दोनों बातों से एग्री करते हो या नहीं, आपकी राय क्या है, आप लोग कमेंट में मेंशन कर सकते हो। और क्या लगता है, क्या वाकई ये फिल्म फुल पैसा वसूल है? जी हाँ भाई, ये फिल्म फुल पैसा वसूल है। जो उसकी रेटिंग है वो 7.2 की आ रही है, और वहीं पर रोटन टोमेटोज़ ने भी इसको रेटिंग दे दी है 6+ की। आप कह सकते हो फिल्म एकदम नंबर 1 है और आपको देखनी चाहिए, क्योंकि ये फिल्म एकदम मास्टर स्ट्रोक है। तभी तो इसके शोज 24/7 चल रहे हैं, और वाकई इस फिल्म ने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है जो कि शायद कोई नहीं कर सकता। ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि जिस दिन फिल्म रिलीज़ हो रही है कि डेट लगी नहीं कि फिल्म थिएटर में लग चुकी है 1 मिनट के अंदर अंदर। बहुत बड़ी बात है। आपकी ओपिनियन क्या है, और आप किस तरह से रिएक्ट कर पाए इस फिल्म को लेकर, और आप किस तरह से खुश हो या दुखी हो फिल्म की ये बात जानकर कि ये थॉर की लास्ट फिल्म है। आपकी राय बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, टेक केयर।